लेक्चर में हमने रेंज डिस्कस किया था और इंटर क्वार्टाइल रेंज डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्वार्टाइल डेविएशन डिस्कस किया था। उसमें क्या था, द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल एंड हाफ द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, हाफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल इज यूज्ड एज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसका फॉर्मूला था क्यू इज इक्वल टू क्यू थ्री माइनस क्यू वन बाई टू। सो टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द परसेंटाइल डेविएशन। तो परसेंटाइल डेविएशन में हम डिस्कस करेंगे दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर परसेंटाइल एंड द लोअर परसेंटाइल इज कॉल्ड इंटर परसेंटाइल रेंज। जो डिफरेंस होगा अपर और लोअर परसेंटाइल के बीच में, उस टर्म को हम बोलेंगे इंटर परसेंटाइल रेंज। सो द डिफरेंस बिटवीन अपर परसेंटाइल, द डिफरेंस बिटवीन अपर परसेंटाइल एंड लोअर परसेंटाइल एंड लोअर परसेंटाइल इज कॉल्ड इंटर परसेंटाइल रेंज, इज कॉल्ड इंटर परसेंटाइल रेंज। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कोफिशिएंट और रेंज निकालने का। इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कोफिशिएंट और रेंज दैट इज इक्वल टू एल माइनस एस डिवाइड बाय एल प्लस एस। इसमें हमारा कोफिशिएंट और रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, लोअर लिमिट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय लोअर प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस हम कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वेरिएंस इस फॉर्मूले से, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। यस, और वेरिएंस निकालने का सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, वेरिएंस निकालने का सिंपल फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100, और वेरियंस निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन। मीन डेविएशन क्या है, ये क्या अर्थमेटिक मीन है सभी डेविएशंस का, मीन मीडियन और मोड का। तो फर्स्टली हम निकालेंगे फॉर मीन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मीन के लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा, वो हम फाइंड करेंगे डिवाइड बाय स्मॉल एन। तो मीन निकालने के लिए हमारा मीन डेविएशन
लिए सॉल्यूशन x माइनस x बार डिवाइड बाय n। सो मीडियन निकालने के लिए नेक्स्ट हमारा मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा मीन डेविएशन इज इक्वल टू समीशन x माइनस m डिवाइड बाय स्मॉल n, x माइनस m डिवाइड बाय स्मॉल n। तो ये हमारा होगा मीन मीडियन निकालने का फॉर्मूला समीशन x माइनस m डिवाइड बाय स्मॉल n। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोड के लिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मोड। तो इसके लिए क्या होगा, दैट इज मीन डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस जेड बाय स्मॉल एन। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, समीशन एक्स माइनस जेड बाय स्मॉल एन। तो ये होगा फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अगर हम ग्रुप्ड डाटा की बात करें तो उसमें मीन डेविएशन क्या होगा, मीन मीडियन मोड के लिए ये था हमारा फॉर ग्रुप्ड डाटा। अब हम डिस्कस करेंगे फोर अनग्रुप्ड डाटा। फोर अनग्रुप्ड डाटा तो उसके लिए हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन का। ये हम ले रहे हैं किसके लिए, मीन के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। समीशन एफ मोड x माइनस x बार डिवाइड बाय n। तो ये हमारा किसके लिए है, मीन निकालने का फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, समीशन f, ये किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं हम, मीन के लिए, फ्रॉम मीन। सो नेक्स्ट हम सेकेंड वन डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन हम डिस्कस करेंगे फॉर मीडियन। मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला होगा समीशन x माइनस m। बस फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं और इसमें सेम ऐसे, बस यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया और यहाँ स्मॉल n की जगह यहाँ क्या आ गया, कैपिटल n, फ्रॉम मीडियन, मीडियन के लिए। सो नेक्स्ट थर्ड वन हम डिस्कस करेंगे, ये भी हमारा क्या है, इसमें भी सिंपल क्या है, समीशन f डिवाइड f इनटू x माइनस z बाय कैपिटल n। ये किसके लिए हो जाएगा, फोर मोड। तो ये सभी फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं, इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो तभी ये फॉर्मूलाज हमारे यूज होंगे। तो ये थे हमारे फोर, ये थे हमारे ग्रुप्ड डाटा के लिए फॉर्मूला और ये हमने डिस्कस किए बी पार्ट, दैट इज फोर अनग्रुप्ड डाटा। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमने मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन के फॉर्मूलाज डिस्कस किए। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, फॉर ग्रुप्ड डाटा के लिए अलग फॉर्मूला डिस्कस किए और अनग्रुप डाटा के लिए सभी की एवरेज क्या है, अलग अलग फाइंड की तीनों वेरिएबल्स की, तीनों टर्म्स की, मीन मीडियन एंड मोड।
सिग्मा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल एन। तो ये होगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट स्क्वायर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इनटू डिवाइड बाय एन। ये होगा फोर अनग्रुप्ड डाटा, दिस इज फोर अनग्रुप्ड डाटा। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इससे रिलेटेड, दैट इज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय फाइव स्टूडेंट्स आर, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय फाइव स्टूडेंट्स आर, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय फाइव स्टूडेंट्स आर। फाइव स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो कितने हैं, 25, 35, 25, 35, 40, then 45 and 55। Next इसमें हमने क्या calculate करना है, find the mean deviation from mean, find the mean deviation from mean, mean deviation from mean डिवाइड बाय 5। कितने नंबर्स हैं उन सभी को हमने उसके साथ डिवाइड
डिवाइड कर दिया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई x बार की, तो सभी का सम करेंगे तो क्या होगा 200 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 40। तो मीन x बार की वैल्यू यहां से क्या आ गई दैट इज इक्वल टू 40। अब हमने नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है इसमें, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला होगा इसमें, ये हमारी गिवन है दैट इज x की वैल्यू, ये हमें गिवन है 25, 35, 40, 45 and 55। ये हमें x की वैल्यू गिवन है। सो नेक्स्ट इसमें हमने फाइंड आउट करना है x माइनस x बार, x माइनस x बार फाइंड आउट करना है। फिर इसका क्या करना है, हमने मोड करना है x माइनस x बार। मींस मोड करने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू हमारी पॉजिटिव है वो मोड करने के बाद क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जो वैल्यू नेगेटिव है वो मोड के बाद क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। मीडियन ऑफ द
देन 40 टू 50 में गिवन है 6, 40 टू 50 में इंटरवल गिवन है दैट इज 6। तो इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हमारे पास गिवन है फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसमें हमने अगेन मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है और ये हमें गिवन है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो मार्क्स मींस हमें क्लास इंटरवल गिवन है और हमें गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हमें गिवन है 0 टू 10 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास 5, 10 टू 20 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 8, 20 टू 30 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 15, देन 30 टू 40 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 16, देन 40 टू 50 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है दैट इज 6। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल मिड वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद हम क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या है, हम क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। सो मिड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 इज 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 इज 5। ऐसे नेक्स्ट हम करेंगे 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 इज 15, देन नेक्स्ट निकालेंगे 20 प्लस 30 बाय 2 हियर इज 25, नेक्स्ट निकालेंगे 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 हियर इज 35, 40 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 हियर इज 45। तो ये हमने निकालिए मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35 एंड 45। अब हम क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से 5 टर्म एज इट इज, सो 5 प्लस 8 इज 13, देन 13 प्लस 15 हियर इज 28, 28 प्लस 16 हियर इज 44, 44 प्लस 6 हियर इज 50। तो ये हमने क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर ली। अब हम निकालेंगे x माइनस n। तो यहाँ हम m ले रही है, हमारा m यहाँ पे है दैट इज 28। ये हमारी मिड वैल्यू है, 2 टर्म्स ऊपर है और 2 टर्म्स नीचे, और इसमें से हमने x माइनस m करना है। मीन्स हमने इसमें से x हमारा क्या है, ये जो मिड वैल्यू ली है दिस इज x। तो ये हम 28 माइनस 5 करेंगे, हियर इज 23, 28 माइनस 15 हियर इज 13, 28 माइनस 25 हियर इज 3, 5 माइनस 5 में से 28 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 23। तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, माइनस में। अब हमारा है 35 माइनस 28 हियर इज 7, देन 45 माइनस 28 हियर इज 17।
by f into